पीडीसी नेटवर्क की खास धार्मिक पेशकश सिख सरगर्मियां लैके हाजिर हाँ मैं मनिंदर सिंह मौंगा। इस विशेष प्रोग्राम विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख पंथ की चढ़ती कला गुरुद्वारा साहबान की सांभ संभाल अते पंथक प्रचार प्रसार हित किए जा रहे समाजिक अते धार्मिक कार्यों नूं संगत तक पहुँचाने का उपराला किया जाता है अते इस दे नाल ही पावन पित्र दिहाड़ियां की इतिहासिक महत्ता आप जी नाल सांझी की जाती है। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं पंथक हल्के दियां सरगर्मियां दे नाल। सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक होने पुजनी संगत की सहूलत लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री अकाल तख्त साहब सकत्रेत वाली बाही जोड़ा घर अते गठरी घर के नवीनीकरण की सेवा पंथक रवायतां नाल शुरू की गई। इस मौके श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर सचखंड श्री हरिमंदर साहब के वधीक हैड ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर मीत प्रधान सुरजीत सिंह पिटेवट जनरल सकत्र एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका बाबा कश्मीर सिंह कार सेवा भूरी वाले समेत होर प्रमुख शख्सियतां मौजूद सन। कार सेवा की आरंभता अरदास मगरों प्रमुख शख्सियतां ने टक लगा के की। इस मौके श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा बड़ी खुशी वाली गल है कि असी श्री अकाल तख्त साहब जी की सिरजना दिवस के मौके के उत्ते सचखंड श्री दरबार साहब श्री हरिमंदर साहब जी दू दर्शन करने वास्ते आने वाली संगतों की सहूलत वास्ते जोड़ा घर के नाल असी एक गठरी घर का जोड़ा है बनाने का जोड़ा है अज आरंभिकता की है सेवा की। मैं इस गलों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई भी देना तो धन्यवाद करदा बाबा कश्मीर सिंह जी बाबा सुखविंदर सिंह जी भुरी वालों का जेडे कि इस सेवा निभा रहे हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल। तो मैं संगतों को ये अपील करना चाहना कि खूबसूरत जोड़ा घर जोड़ा बनना इतने तो नाल गठरी घर बनना है तो संगत तन मन धन के नाल सहयोग दे इस कार्य वास्ते तो वाहेगुरु कृपा करे कुछ महीनों के ये कार्य जोड़ा है मुकम्मल हो जाना है। बहुत बारी असी बैठ के श्री अकाल तख्त साहब जी के दफ्तर के सिंह साहब जी नाल विचार करते रहे तो सारे जथेदार साहबान ने यह महसूस किया कि संगत की आमदन वेखद तो संगत की सहूलत वेखद असी एक सुंदर जोड़ा घर तैयार करिए जिद संगत की परेशानी जी दूर हो जाए। सो उहदे वास्ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला किया कि इत्थे 85x76 एडा वड्डा जड़ा है जिहदे विच तकरीबन 6000 तो वध जिहड़े जोड़े है एट ए टाइम रखे जा सकते हैं उहदा प्रबंध किया जाए। सो उहदे वास्ते जिथे असी सेवा नूं शुरू किया उत्थे नाल ही असीं बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वालियां नूं ये बेनती की कि सहयोग दिओ इन्हां कोल मशीनरी है इन्हां कोल मैन पावर भी हुंदी है और सारे नाल सहयोग देण वास्ते बाबा जी ने बड़ा सत्कार दे नाल साडे बच्चां नूं मन्निया और मैं जिथे इहदा धन्नवाद करदी हां उत्थे ये भी इन्हां नाल सानूं बड़ा ही उत्साह दे के कहा कि तकरीबन 4.5 महीने च असीं कंप्लीट करके देवांगे तां जो संगत की जिहड़ी परेशानी ना बन सके संगत की सहूलत बन सके। सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी नूं दर्शन करन वास्ते संगतां आउंदियां ने बेअंत 4-5 रस्ते जो ने दर्शन करने वास्ते संगतां दी हाजर संगतां जांदियां ने जिवें कि घंटाघर साहब का रस्ता सरावां का रस्ता बाबा टल राय जी का रस्ता इस तरह आटा मंडी जी का रस्ता एक होर मेन रस्ता वा घंटाघर साहब के नाल जो इधर गुरु गोबिंद सिंह जी NRI निवास बनया हुआ श्री अकाल तख्त साहब जी नूं हुंदे होए संगतां जो ने दर्शन करन जांदियां ने तकरीबन सारे पासे ही संगतां दी सहूलत वास्ते बड़े सुंदर जिहड़े ने जोड़े घर वड्डे ते खुल्ले अलीशान जिहड़े ने जोड़ा घर बने ने इधर भी बनिया सी पर वो पुरातन जिहा पुराना जिहा बनिया होया सी जिहड़ा कि उहदी कैपेसिटी भी बहुत थोड़ी सी ते एडा वो मतलब सोहणे तरीके नाल नहीं सी बनिया। अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये जिहड़ी सेवा वा ये दासां नूं संप्रदायक कार सेवा भूरी वालियां नूं दिती गई आ ते सेवा दी आरंभता हुई सेवा दी आरंभता सिंह साहब जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहब दरबार साहब जी ते होर मैंबर साहबान ते बेअंत संगतां दी हाजरी दे विच श्री आनंद साहब जी का पाठ अरदास करके ये सेवा शुरू कर दिती गई आ।
सिख कौम के सर्वोच्च स्थान श्री अकाल तख्त साहब का स्थापना दिवस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्रद्धा भावना नाल मनाया गया। इस संबंध में श्री अकाल तख्त साहब विखे श्री अखंडपुर साहब के भोग मगरों भाई संदीप सिंह के कीर्तनी जथे ने गुरबाणी कीर्तन किया और पावन हुक्मनामा सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह ने सरवण करवाया। इस मौके अपने संबोधन दौरान श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने श्री अकाल तख्त साहब की स्थापना दिवस की बधाई देंदिया समुची सिख कौम को सिख सिद्धांत परंपरावां अते रवायतां की पहरेदारी करन की प्रेरणा दी अते सिख संस्था खिलाफ जानबूझ के प्रचार करने वाले लोगों तो सुचेत रहने लिए आख्या। उन्होंने कहा कि छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब वालों स्थापित किए गए सच्चे तखत श्री अकाल तख्त साहब तो हमेशा हक सच की आवाज बुलंद होंगी रहेगी। इस सर्वोच्च स्थान ने सिख कौम को सदा चानन नारे वजों अगुवाई दी है। अज गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह वालों सिरजे महान श्री अकाल तख्त साहब जी का स्थापना दिवस है और मैं इस स्थापना दिवस की समुचे सिख जगत को बहुत बहुत बधाई देना। श्री अकाल तख्त साहब सिखा का सर्वोच्च स्थान और आज़ाद प्रभु सत्ता का प्रतीक है। हमले अज भी जारी है लेकिन अज हमलों का रूप जिहड़ा रंग वह बदल चुका है। पहला सीधे हमले हुए है टैंकों गोलियां तोपां दे नाल लेकिन अज श्री अकाल तख्त साहब जी की गर्मा नूं नुकसान पहुँचाने का यतन है और बदकिस्मती है कि ये सिख सिरां दा इस्तेमाल यह हमेशा तो रहा है गुरु काल दे वित्तों समय तो ही रहा है। पृथ्वी चंद नूं पाड़िया धीरमल नूं पाड़िया राम राय नूं पाड़िया मुगल दौर दे विच भी पाड़िया अंग्रेज़ दौर दे विच भी पाड़िया और मौजूदा हुक्मरान जिहड़े ने यह भी सिखां नूं वंड के पाड़ के सिखां दी ताकत नूं घट करके सिखां नूं जिहड़ा नुक्कर दे विच बिठा के रखना चाहुंदे। बस इहो ही है संगतां नूं अपील के जिहड़ियां कोहज साजिशां उहनां नूं समझो। अज साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी हो रही है कितें शरेआम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन सरूपां नूं अगां लाईआं जा रहीआं ने पिंड जौलीआं दे विच घटना वापरी है कितें श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के अंग जिहड़े गलियां च पाड़ के सुट्टे जा रहे कितें साडीआं लड़कियां नूं जबरी जिहड़ा है वह धर्म परिवर्तन वल धक्किआ जा रहा है कितें साडे अस्थान जिहड़े है डिमोलिश किए जा रहे हैं तो यह साडे ते एक किस्म का हमला है। अज का दिहाड़ा श्री अकाल तख्त साहिब जी सिरजना दिवस के संबंध में असीं सारे एकत्र होकर मना रहे हैं। सब तो पहला मैं सारी संगत नूं खालसा पंथ नूं श्री अकाल तख्त साहब जी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई दिनी। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अज के दिहाड़े ते इस महान तखत की इट रख के नींह रखी। बाद विच भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा साहब जी ने इस तख्त नूं तैयार किया उस थड़े नूं ते उस थड़े उत्ते बैठ के साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी सबना कौम नूं संदेश दिंदे सन। सो ये तख्त जिहड़ा इस लिए उसारिया गया सी कि जालम नाल टाकरा करना जुल्म दा नाश करना ते इस तख्त दे खलो के जदों उपदेश दिता जांदा संदेश दिता जांदा ते सब तो पहला जिहड़ा तख्त दे उत्ते जथेदार साहब हुंदे हन उहनां दा मूंह जिहड़ा उह श्री हरिमंदर साहब वल नूं हुंदा ते श्री हरिमंदर साहब जी दी उस महान पवित्र अस्थान तो सामने रखने का मकसद ये है कि कोई भी राजनीति करनी है कोई भी असी शक्ति लैनी है तो उस धर्म के अधीन रखना सब तो पहला धर्म फिर राजनीति। सो धर्म के अधीन राजनीति करके धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने चार जंगा लड़िया चार ही जंगा विच बड़ी सफलता ली ते जो गुरु अर्जन देव जी ने शहादत जो शहीद किया सहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इत्थे खलो के ही मीरी पीर दे जदों दो तलवारा पहनियां बाबा बुढ़ा साहब जी ने पहनाईया उस वेले ही संगत नूं उपदेश दिता कि आओ शस्त्र लैके आओ घोड़े लैके आओ ता जो जुल्म दा नाश करन वास्ते असीं फौजां तैयार करिए। सो मैं समझदी हाँ कि साडे वास्ते सुभागा समा कि कौम नूं एक तख्त मिलिया जिस तख्त दे उत्तों सारी कौम नूं संदेश दिता जांदा है। पंज तख्त साडे हन पर सारे पंजां तख्तां दे सिंघ साहिबान बैठ के इत्थों गुरमता करके संगत नूं जो गुरु का सिद्धांत है वो वास्ते परिपक्ता कराते हैं। सिख रहत मर्यादा अपनाइए श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा में रहिए सारी कौम में मेरी बेनती है होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिवलाए दे महावाक अनुसार आप सारे इकट्ठे होइए तख्त की माण मर्यादा बधाइए सारी कौम नूं अज बहुत सुचेत होने की लोड़ है। पंथ विरोधी ताकत बहुत वड्डियां शक्तियां ला रही हैं कि किस ढंग नाल इस नूं घट किया जाए किस ढंग नाल इस दी मर्यादा नूं घटाया जाए पर आप सारे सुचेत होना। तो हुण वेला इक छोटे ब्रेक का ब्रेक तो बाद जारी रहेगी साडी एक खास धार्मिक पेशकश।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਦੌਰਾਨ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖਿੱਤੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸੀ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਦਾ ਸਾਕਾ। 3 ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ 3 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ DIG ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ, ਸੱਚਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਲਾਠੀਆਂ ਵਰੀਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਵਰੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੇਅਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਾ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ। ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਇੱਥੇ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਭਾਈ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਹਰਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਟੇਵੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਦਾ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਧਰਮਨ ਪੱਖ ਰਾਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ 'ਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ 'ਚ ਪਰੋਚੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੂ। ਪਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਫੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ
इस पवित्र अस्थान के नाल जोड़वा अस्थान आ। इत्थे उन्हां दी अज जिहड़ी सालाना बरसी मनाई गई आ। महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसी शख्सियत सी जिन्हां दे विच गुरमत भी कुट कुट के भरी हुई सी, जिन्हां दे विच राजां वाले गुण भी सी। और इहो कारण आ कि 200 साल होण दे बावजूद अज भी लोग उन्हां दा जिसले नां लैंदे आदब ते सत्कार नाल सिर झुक जांदा। ते हुण वेला इक छोटे ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद जारी रहेगी साडी एक खास धार्मिक पेशकश। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बीते दिनी सचखंड श्री हरिमंदर साहब के बाहर प्लाजा विखे कोरोना वैक्सीन के दूजे टीके लई दूसरे कैंप की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर मीत प्रधान सुरजीत सिंह पिटेवट, जनरल सकत्र एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका ते मुख्य सकत्र एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सांझे तौर पर किया। सिखपंथ की नुमाइंदा संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कोरोना महामारी समय लोगों की सहायता लई पहला कोविड केयर केंद्र खोलने के नाल नाल लोड़वंदां नूं वैक्सीन लगाउण लई कैंपां की शुरुआत भी की गई थी, जिस तहत पहला कैंप श्री दरबार साहब विखे लगाया गया सी। इस उपरंत श्री दमदमा साहब तलवंडी साबों तखत श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब समेत दिल्ली और मुंबई विखे भी कोरोना वैक्सीन लगाउण दा कैंप लगाया गया सी। हुण श्री दरबार साहब दे सूचना केंद्र विखे कोरोना वैक्सीन की दूजी डोज लई फिर कैंप की शुरुआत की गई है। दुनिया ते कोविड की महामारी फैली है, कोविड ने दुनिया नूं हिला के रख दिता है और उत्थे साडियां देश दीआं सरकारां वी जिहड़ियां इहदे तों भज गईआं, उह इहदा लोकां नूं इंसाफ नहीं दे सकीआं, लोकां नूं मैडिकली उहनां नूं सहायता नहीं दे सकीआं। ते उत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उत्थे अगे आई और इहदे नाल असीं भावें 500 बैड दे असीं वक्रे वक्रे बैड ला के लोगों ऑक्सीजन वास्ते मुफ्त दवाइया साढ़े SCRD श्री गुरु रामदास कॉलेज वालों मुफ्त दवाइया और ये वड्डा प्रबंध किया गया। उहदे तों बाद ये जिहड़ी रोज़ आ सानूं 1,000 रुपया डोज मिली आ, कोई सरकार ने पैसा दिता, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु की गोलुक तो पैसे थे 1,00,000 रुपये और दे के ये वैक्सीन जी असी पहला असी श्री हरिमंदर साहब अकाल तख्त तो शुरू की सी, उहदे तों बाद श्री दमदमा साहब तो, उहदे तों बाद श्री आनंदपुर साहब तो, और जिहड़ियां असीं पहलियां डोजा लगा चुके हाँ उहदे नाल ये दूजी डोज अज शुरू की आ। 1,020 डोज साडे कोल अज इत्थे आईआं और ये डोज 4 दिन चलणगीआं, जिन्हां नूं डोज ऑलरेडी पहलां लगी आ उहनां नूं ये दुबारा डोज लग के, और असीं लोकां नूं बेनती भी करांगे ਵੀ ਉਹ 9 to 3 ਤੱਕ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 54 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-20 ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਔਰ 250 ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਮਾਂ 9 to 4 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। SGPC ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਆ ਜੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ। SGPC ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिथे विश्वव्यापी कोरोना काल दौरान सेहत सहूलतां ते समाजिक सेवावां दे नाल मनुखता दी सेवा कीती गई है, उत्थे ही अपने मूल कार्य धर्म प्रचार दे लई वी उचेचे यतन कीते जा रहे ने। कोरोना काल दे दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार कमेटी वालों पंजाब भर दे पिंडां विच ऑनलाइन गुरमत ट्रेनिंग कैंप लगाए गए। इन्हां कैंपां दे विच तैयार होए बच्चियां दे क्विज़ मुकाबले कराए गए। जिक्रयोग है कि जिला पद्धर ते 23 टीमां पहुंचियां सन। बीते दिनी इन्हां 23 टीमां दा राज पद्धरी क्विज़ मुकाबला करवाया गया, जिस दे विच पहले दूजे अते तीजे स्थान ते आउण वालियां टीमां नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों विशेष तौर ते सन्मानित कीता गया। धर्म प्रचार कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लगभग 23 ज़िलों दे विच बच्चियां दीआं टीमां तैयार करके ऑनलाइन माध्यम दे राही इन्हां ज़िलों दे विच मुकाबले करवाए। फिर उन्हां ज़िलों दा अज राज पद्धरी मुकाबला सी। जदों ज़िलों दे मुकाबले सन, हर एक ज़िले दे विच 20-20 टीमां जिहड़ियां वड्डी तहात दे विच पूरे पंजाब दे विच इह मुकाबले करवाए गए, और बच्चियां दे विच अपने सिख धर्म दे प्रति इन्ना उत्साह सी कि जिहड़ा पिछले मुकाबलियां दौरान दास ने देखिया। बतौर होस्ट मैं इस गल नूं फील करदा है कि जितने भी बच्चियां ने जवाब दित्ते
उन्हां दे विच जदों असी सवाल करदे सी बच्चियां नूं ते बच्चे अपने सवाल नूं सुणन तों पहलां अपना जवाब दे देंदे सन। इत्थों मैनूं बहुत इस गल की खुशी हुंदी सी कि बच्चों के इन्ना उत्साह इन्ना प्यार है। सो मैं सब तो ज़्यादा धन्यवाद करदा धर्म प्रचार कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रचारक साहबान धार्मिक टीचर साहबान जिन्होंने बहुत मेहनत करके इन्हों बच्चों को धर्म के नाल जोड़िया और क्विज़ कॉम्पीटिशन के जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार कमेटी वालों ये ऑनलाइन क्विज़ मुकाबले करवाए जा रहे उस दे विच इन्हां नूं भाग दवाया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी हमेशा ही धर्म के प्रचार लिए तत्पर रहती है। पिछले दिन जो कोरोना महामारी कारण स्कूलों के बच्चे घरों घर बैठ गए सन उन्हों धर्म की सिक्ख्या देने उन्होंने अपने जीवन के चंकी जिंदगी जीवन धर्म प्रचार कमेटी वालों कोशिशा की गई सन। इस परपज लनलाइन असी मुकाबले शुरू करवाए सन। इस मुकाबले कुल 23 टीम ने भाग लिया, जिन्हों के मुकाबलों असी 3 टीम क्ढ़िया। उन्होंने तिना टीमों के जो मुकाबले हुए उन्होंने फस्ट सैकेंड थर्ड आने वाले बच्चों की हौसला अफजाई लिए विशेष इनाम दिते जाने हैं। तो असी होर बच्चों भी अपील करते हैं कि अगे तो जो धर्म प्रचार कमेटी वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों योजे मुकाबले करवाए जाते हैं वो अपनी जानकारी वधाने लिए अपनी नॉलेज वधाने लिए इन जरूर हिस्सा लैन जो उन्होंने जिंदगी काम आएगा। धर्म प्रचार कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक क्विज़ मुकाबला पूरे पंजाब भर के बच्चों का करवाया गया, जिस दे विच लगभग 200 टीमां ने शमूलियत की और 200 टीमां दे विचों 20 टीमां सैमीफाइनल दे विच पहुंचियां और उन्हां दे विचों 11 टीमां जिहड़ियां ने उह फाइनल विच पहुंचियां और 11 टीमां चों पहले ते दूसरे ते तीसरे नंबर ते आउण वाले विद्यार्थियों नूं इन्हां टीमां नूं जिन्हां ने गुर इतिहास गुरबाणी ते सिख रहत मर्यादा दे विचों बहुत ज़्यादा जवाब दे के सवालों के ते साथ संगत जी खुशी महसूस की है। उन्होंने बच्चों नू नगद राशि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दे के सन्मानित किया जाएगा। इस सारे कार्य विच धर्म प्रचार कमेटी के समूह प्रचारकों ने बहुत मेहनत की है। इस विशेष प्रोग्राम में साड़ी ये भरपूर कोशिश रहती है कि सारे हफ्ते दियाँ पंथक सरगर्मियों नाल तुहानूं रूबरू करवाइए। साढ़े इस प्रोग्राम संबंधी या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संबंधी तुसी कोई राय कोई सुझाव देना चाहते हो तो मेल करो feedback@pcnetwork.com ते। अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे सिख सरगर्मियां लैके। तद तक लई दिओ इजाजत। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।